रुचि गुप्ता दिल्ली से। मेरे बेटे को कान में प्रॉब्लम है, ऊंचा सुनता है। बराबर। लगभग 10 साल से। बराबर। पहले से बेटर सुन रहा है जी, जो अभी देखा है। बराबर। ट्रीटमेंट के बाद जरूर जी सबको ले कहूँगी, जिनको भी प्रॉब्लम है एक बार यहाँ जरूर आए और आके एक बार आपसे कंसल्ट जरूर करें। मेरे को अच्छा लगा, बेटर फीलिंग आई। भगवान से आड़ा दाहोद, मेरे जमने कान में थोड़ा सुनाने में तकलीफ थी और आवाज़ आ रही थी 6 साल से। मैंने बोला था कि ये तो अब आगे की सर्जरी ज़्यादा खर्चा वाली है। मैं अच्छा लगा ठीक, अब ये क्या है कि जो आवाज़ आ रही थी वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है, सुनने में भी है भाई थोड़े का आवाज़ में थोड़ा फर्क पड़ा है। मेरे को तो अच्छा ही लगा, खुश। मैं तो खुश होके बहुत तरक्की हो, ऐसा ही विश्वास देके जाऊं मैं यहां से। हां ठीक है ना, बहुत परेशान हां बताइए। तो मेरी बात तो यह है कि किसी को भी जो कान की तरफ अगर जो तकलीफ है तो ये सब दवाखाने में नस सूख गई, होश हो गया या अब कान में सुनाई नहीं देगा, ऐसा ऐसा सुनने के बजाय जो ये यहाँ आपने तुम्हारे जो दवाखाना है अस्पताल है वहाँ आ जाए तो अच्छा रहे भाई। और करुणा दोष उनका जो निवारण शुरुआत से जो हो रहा है वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं एक बार चार बार बोलती हूँ से ज्यादा आपको जो है तो मैं मन की इच्छा पूरी हो जाए। मैं अभी जोधपुर से आया हूँ, राजस्थान जोधपुर से रहने वाला हूँ। बच्चे के हेयर एंड लॉस था, इसकी वजह से हम यहाँ पे आए। 9 साल का हो गया, बचपन से बिल्कुल ये सुनता नहीं था। एक कान से इसका ऑपरेट इम्प्लांट लगाया हुआ, दूसरे से बिल्कुल। हमने अपने यूट्यूब से देखे, दिल्ली के रहने वाले थे उनका वीडियो हमने देखा, उनसे बात की, हमें वो बहुत अच्छा लगा। उनके रेफरेंस से हम यहाँ पे आए हैं और हमें भी आज यहाँ ट्रीटमेंट बच्चे का हुआ है, वो काफ़ी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा सर, एक उम्मीद की किरण जगी है कि भाई हो जाए तो बहुत बढ़िया है। देखा वीडियो, देखा यूट्यूब पे, दो बच्चों से बात भी की, उन्होंने कहा भी हमारे 20% फर्क पड़ा है, तो हमने सोचा एक बार ट्राई तो करें कम से कम। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस बच्चे की भी ऐसी प्रॉब्लम है वो कम से कम एक बार यहाँ आके जरूर ट्राई करें, कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होगा।